जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं गेनिंग के लिए डाइट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा ये होते हैं गेनिंग के लिए डाइट, गेनिंग के लिए डाइट, गेनिंग के लिए डाइट। तो आज हम बता रहे हैं गेनिंग के लिए डाइट। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखिए, मील बाय मील स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको मैं, मील बाय मील स्टेप बाय स्टेप आपको डाइट बताऊँगा, जिसमें 5 से 6 मील होने वाले हैं पर डे की गेनिंग के लिए। गेनिंग में क्या करना है, तो गेनिंग का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो है हमें कैलरी सरप्लस रखनी है। आपका जो भी कैलरीज इनटेक आता है उससे 400, 500, 600, 1000 या 100, 200 कैलरीज इनटेक हमेशा ज़्यादा ही रखनी है। ये हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेक योर फास्ट, जो अपने रात से सोया है वो पूरे टाइम में 7-8 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं खाया, तो जल्दी से अपना फास्ट को ब्रेक कर दो, ये होता है ब्रेकफास्ट। जनरली होता है क्या है, उठने के बाद एकदम से जैसे उठते हैं वैसे जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, बट कहीं कहीं नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने में। तो उससे पहले हमें प्री ब्रेकफास्ट मील लेना चाहिए, जो कि तो पहला मील, फर्स्ट मील आपको उठते जो लेना चाहिए वो है एक प्रोटीन शेक, एक सर्विंग प्रोटीन पानी में या दूध में मिला के, और एक एप्पल। गेनिंग पे तो बनाना भी ले सकते हैं, एप्पल ठीक है वैसे। तो जो सेकेंड मील होगा वो है पनीर पराठा या फिर पनीर भुर्जी को ले लो, उसके साथ साथ आप दही और सलाद भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड मील है वो है लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद, जिसमें आपको रोस्टेड चने 50 से 100 ग्राम लेने हैं, और कोई भी एक फ्रूट्स कोई भी ले लो, चाहे केले ले लो, आपको जो पसंद हो वो ले लो, फ्रूट चाट ले लो, और उसके साथ साथ कोई वेजिटेबल सलाद यूज कर लो। तो जो हमारा चौथा मील होगा गेनिंग डाइट के लिए वो है हमारा या तो मिक्स बीन, मिक्स वेजिटेबल, या कोई भी ऐसी सब्जी जिसमें प्रोटीन इंटेक मिल जाए, आपका कुछ भी हो सकता है, दाल हो सकती है, चने हो सकते हैं, राजमा हो सकता है, पनीर हो सकता है, मटर हो सकता है, ये सब प्लस उसके साथ राइस खाने हैं, और एक बोल सैलेड जरूरी यूज़ करना है। सैलेड, सैलेड बहुत ज़रूरी है डाइट में ऐड करने के लिए। आप सैलेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका पसंद हो, ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, कुकम्बर हो गया, जो भी आपको पसंद हो कच्चा सैलेड वो यूज जरूर करना है। लास्ट मील है डिनर, उसमें सोया चंक या फिर सोया चाप पनीर वगैरह ले सकते हैं, बेस्ट चीज़ है गेनिंग के लिए, और प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज़्यादा मिलता है सोया चंक से, 52% प्रोटीन मिलता है। बट हम मेल हैं इसलिए हम ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल हॉर्मोन्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो गए आज के हमारे मील। रात में सोने से पहले एक मील लेना है, बे प्रोटीन प्लस 1 स्पून पीनट बटर यूज करना है। और जो मैन, सबसे मैन जो इम्पोर्टेंट मील होते हैं वो है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में हमें क्या लेना और पोस्ट वर्कआउट मील में हमें क्या लेना, तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि प्री वर्कआउट में क्या खाएं और पोस्ट वर्कआउट में क्या खाएं। तो प्री वर्कआउट में सबसे बेस्ट चीज़ें गेनिंग के लिए, और इस टाइम पर सर्दियाँ हैं, आपका अच्छा मौका है, ये गेन का टाइम गोल्डन टाइम होता है गेन का सर्दी। तो सबसे पहले होल व्हीट ब्रेड या होल ग्रेन टोस्ट जो भी लेना है आपको वो लीजिए, उस पर पीनट बटर या आलमंड बटर लगाइए, और उसको खाना है प्लस के साथ साथ स्वीट पोटैटो खाइए, जो कि सर्दियों में मिलती है। स्वीट पोटैटो सबसे बेस्ट चीज़ है गेनिंग के लिए, बहुत अच्छे कार्ब होते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। और पोस्ट वर्कआउट मील जो सबसे बेस्ट मील होता है वो वैसे तो प्रोटीन शेक ही होता है, बट अगर प्रोटीन शेक में कुछ ऐड करना है तो आप उसको शेक बनाकर पी सकते हैं, जिसमें कि प्रोटीन शेक और आपका आलमंड्स, आपका डेट्स, आपके बनानास, ये सब हो जाएंगे, उसको शेक बना के स्मूदी बना के अच्छे से पीजिए। ये हमारी मील हैं, ये वेजिटेरियन के लिए हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू करिए, मैं अगली वीडियो में नॉन वेजिटेरियन के लिए भी गेनिंग के लिए डालने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, फिट रहिए, खुश रहिए, और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, सम्मान करिए। जय हिंद।